अब इनकी प्लेटिंग करेंगे, अब इनको पिस्ता से गार्निश कर देंगे। लग रहे हैं ना ये लड्डू लाजवाब, बनाने में भी बहुत आसान है, खाने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। नमस्ते, मैं सुमनलता दीक्षित, आज मैं अपनी किचन में कोकोनट लड्डू की रेसिपी शेयर करूंगी स्टफिंग के साथ। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। इस बाउल में 2 कप कोकोनट पाउडर डालेंगे, बाजार में आसानी से मिल जाता है ये। आधा कप कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे, रू अफजा डाल देंगे 4 बड़े चम्मच। इससे कलर भी आएगा, फ्लेवर भी आएगा। इसकी जगह कोई भी कलर, फ्लेवर या इलायची का पाउडर यूज कर सकते हैं। और अब सबको मिक्स करेंगे। अब इस मिक्सचर को अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करेंगे। इस कटोरी में 2 बड़े चम्मच पिस्ता और बादाम डाला है कटा हुआ, जो भी पसंद है वो ले सकते हैं। अब इसमें मैंने 6 बड़े चम्मच कोकोनट पाउडर डाला है, या जो मिक्सचर बना के रखा हुआ है उसमें से भी ले सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच चॉकलेट सिरप डालेंगे, मिक्स करेंगे। इस मिक्सचर में से इस तरह से छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। अब घी लगा लेंगे हाथ में, इससे बनाने में भी आसानी रहेगी और शाइनिंग भी आएगी। जितनी बड़ी बनानी है उतना मिक्सचर ले लेंगे और इसको फ्लैट करके इसके अंदर चॉकलेट का जो मिक्सचर है उसको रख देंगे और इसको फिर बंद करके एक बॉल की शेप दे देंगे। इस प्लेट में कोकोनट पाउडर रखा हुआ है, इसमें इसको रोल कर देंगे इस तरह से। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर देना, बेल को प्रेस कर देना, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर देना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इसी तरह से सबको तैयार कर लेंगे। स्टफिंग वाले कोकोनट लड्डू बनकर तैयार हैं। चलिए मिलते हैं एक अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। बाय।